जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, सुभाष चौक इलाके में इकबाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक नाबालिग को भी पुलिस ने डिटेन किया है। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित कर दी गई है। एडिशनल DCP क्राइम रेवंत दान के नेतृत्व में जांच SIT करेगी। आपको बता दें कि गंगापोल निवासी युवराज कश्यप, शुभम मेहरा उर्फ गोलू गिरफ्तार हुए हैं और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के लिए इस सेल का गठन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहा है, इकबाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को देखिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, सुभाष चौक इलाके में इकबाल हत्याकांड से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को देखिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और स्पेशल टीम का भी यहाँ पर गठन किया गया, एक नाबालिग को भी पुलिस ने डिटेन किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी गई है। एडिशनल DCP क्राइम रेवंत दान के नेतृत्व में SIT जांच करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, इकबाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, पूरे मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक जो पांचवा जो आरोपी है वो नाबालिग है, ऐसे में उसको निरुद्ध किया गया है। और इन्हीं पांच में से दो के नाम जो है पुलिस ने जाहिर भी किया, जिनके एक आरोपी का नाम युवराज उर्फ राज कश्यप और दूसरा आरोपी शुभम मेहरा उर्फ गोलू बताया जा रहा है। वहीं पर दो अन्य जो आरोपियों को बापरदा रखा है, जिनकी शिनाख्त परेड जो मृतक इकबाल है उसके भाई के द्वारा अब करवाई जाएगी। तो ऐसे में पूरे मामले में अब तक जो पांच आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी सुभाष थाना पुलिस। और वही पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश के बाद इस पूरी घटना की जो इकबाल हत्याकांड की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT का गठन किया गया है, जिसकी जांच का जो मॉनिटरिंग है वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विष्णु के निर्देशन में एडिशनल SP रेवंत दान और तीन इंस्पेक्टर मिलकर करेंगे। तो पूरे मामले में अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके अलावा SIT की टीम को गठित किया गया। वहीं पर पुलिस पूरे मामले को में नजर बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया सेल भी गठित की गई ताकि किसी भी तरीके का कोई भ्रम यदि कोई फैलाता है, कोई भ्रामक मैसेज फैलाता है तो उसके खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नर की टीम कार्रवाई करेगी। इसके लिए साइबर सेल का गठन किया गया। और वहीं इकबाल हत्याकांड के बाद अब जो है जो दूसरे जो पक्ष के लोग हैं उनकी ओर से कल बड़ी चौपड़ में बड़ा धरना भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए SIT का गठन भी कर लिया गया है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, 20 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि आरुषि मलिक जयपुर संभागीय आयुक्त तो होंगी, कृष्ण कुणाल को अल्पसंख्यक विभाग मिला है, गौरव अग्रवाल चित्तौड़गढ़ कलेक्टर होंगे, वही बचनेश अग्रवाल झुंझुनू कलेक्टर होंगे, विश्व मोहन शर्मा केकड़ी के कलेक्टर होंगे, हनुमानमल झाका खैरथल कलेक्टर होंगे, ओम प्रकाश बैरवा टोंक कलेक्टर और कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। 20 IAS अफसरों के देखिए तबादले किए गए हैं। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। कृष्ण कुणाल को अल्पसंख्यक विभाग मिला है और देखिए यहीं पे गौरव अग्रवाल की बात कर ले तो चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर बनाए गए हैं। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी, जहां पर 20 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। आरुषि मलिक जयपुर संभागीय आयुक्त होंगी, तो कृष्ण कुणाल को अल्पसंख्यक विभाग मिला है और ये बड़ा फेरबदल। देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और उसके पहले अगर यहां पर IAS अफसरों के तबादले हो रहे हैं तो उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इससे पहले भी जो खबरें सामने आई उसमें ये देखने को मिला था कि कई अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है, ओम प्रकाश बैरवा को टोंक का कलेक्टर बनाया गया है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आरुषि मलिक जयपुर संभागीय आयुक्त होंगी। तो उदयपुर से जयपुर रूट पर शुरू हुई राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को असामाजिक तत्वों ने चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में डिरेल करने की कोशिश की। बदमाशों ने ट्रैक पर पत्थर और लोहे के सरिये रख दिए थे। समय रहते लोको पायलट ने अनहोनी को भाप लिया और ट्रेन को रोक दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर जयपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। बदमाशों ने ट्रैक पर बिछाए पत्थर, पटरी पर लगाए सरिये, लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा।
इस साजिश के पीछे कौन? उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन का बड़ा हादसा होने से बच गया। उदयपुर से निकलने के बाद चित्तौड़गढ़ जिले में गंगरार स्टेशन से आगे चलते ही ट्रैक पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर बिछा दिए थे। इतना ही नहीं, सरिये भी लगाए गए, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ ने बड़े हादसे को टाल दिया और समय रहते लोको पायलट ने ब्रेक लगा दिया। अब मामले की पूरी जांच रेलवे पुलिस फोर्स चित्तौड़गढ़ कर रही है। आज दिनांक 2 अक्टूबर को उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सुबह 10 बजे हमारे लोको पायलट ने सूचित किया कि गंगरार और सोनियाना के मध्य, जो कि अजमेर मंडल में है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे ट्रैक के मध्य 2 1 फीट की लंबी रॉड रखी हुई है और ट्रैक पे कुछ बलास्ट भी रखे हुए हैं। लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है और इमीडिएटली जो है कंट्रोल को सूचित किया। सूचना मिलते ही आरपीएफ के हमारे जो डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट है, जीआरपी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मौका का मुआयना किया। एसएचओ गंगरार के पास एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। जिस वंदे भारत के लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, उनसे जब हमने बात की, उन्होंने बताया कि पत्थर उन्होंने कुछ दूरी पर देख लिए थे, इससे हादसा होने से बच गया। वंदे भारत ट्रेन के साथ आज एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, उस हादसे को टाला है लोको पायलट ने। हमारे साथ मुबारक जी, आइए इनसे बात करते हैं। मुबारक जी, आपको क्या दिखा, कितने यात्री इस ट्रेन में थे, कैसे हादसे को टाला? मुझे पता नहीं है। क्या दिखा आपको? हमें पत्थर दिखे और हमने इमरजेंसी मार के गाड़ी को खड़ी कर दिया। हमारे रेलवे साथ और क्या क्या था? लोहे के कुछ किले फंसा रखे थे, किले फंसा रखे थे। तो यात्री कहीं थोड़ा सहमे? नहीं नहीं नहीं, जैसा कि इन्होंने बताया कि दोनों लाइनों पे इनको पत्थर दिखे। ये वही वंदे भारत ट्रेन है जो कि सुबह उदयपुर से होते हुए भिलवाड़ा की तरफ आ रही थी और जयपुर की तरफ पहुंची थी। ये वही मुबारक जी है जिन्होंने कई लोगों की आज एक जान बचाई है, हादसा होने से टाला है। जो साजिश करता थे, जो साजिश कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन के खिलाफ, उस साजिश को मुबारक जी ने नाकाम किया। अब क्या है, गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी इस ट्रेन पर गंगराट क्षेत्र में ही पथराव की घटना भी सामने आई थी। फिलहाल इस साजिश के पीछे कौन है, इसकी पड़ताल रेलवे पुलिस कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। तो झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दे, पुलिसकर्मी को कुचलने का प्रयास किया गया है। यातायात पुलिसकर्मी को कुचलने का यहां पर प्रयास किया गया है। फोन पर बात कर रहे कार चालक को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रुकवाने की कोशिश की और कार चालक पुलिसकर्मी को कार के बोनट से घसीटा। कार लेकर मौके से फरार कार चालक है और पुलिसकर्मी अजय कुमार घायल हो चुके हैं। घायल पुलिसकर्मी को बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिसकर्मी को चक्कर मारने की जो घटना है वो देखिए सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और पुलिस ने फुटेज के आधार पर कार की तलाश शुरू कर दी है। तो पुलिसकर्मी को कुचलने का देखिए ये पूरा मामला है और झुंझुनू से बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिसकर्मी को कुचलने का प्रयास किया गया है। घायल पुलिसकर्मी को बीडीके अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो यातायात पुलिसकर्मी को कुचलने का प्रयास झुंझुनू में किया गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हेलीकॉप्टर का किराया आसमान छू रहा है। आम दिनों में 2 लाख रुपए प्रति घंटे का किराया बढ़कर 5 लाख रुपए को पार कर चुका है। आपको बता दें वजह है चुनावी दौरे, प्रदेश के नेताओं ने हेलीकॉप्टर्स की प्री बुकिंग करवा ली है जिसके कारण डिमांड सप्लाई में बड़ा गैप आ गया है और किराया आसमान पर पहुंच गया है। लिहाजा पेम्फलेट जालने के लिए भी हेलीकॉप्टर का उपयोग होगा। चुनाव के दौरान हवाई यात्रा करने वालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ व कई मंत्री और विधायक शामिल हैं। अभी जो हेलीकॉप्टर जो रेड का हमारा जो प्लान था वो आगामी चुनावों को देखते हुए, अब ये दिसंबर के लास्ट वीक में ही ये पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि अभी जितने भी हेलीकॉप्टर्स जो हमारे हैं वो चुनावों के लिए ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। बहुत ज्यादा डिमांड इतनी बढ़ गई है इन हेलीकॉप्टर्स की कि अभी इनकी जो रेट्स भी है वो भी 2 से 3 गुना हाई हो गई है। सिंगल इंजन जो जनरली हमारा 1 से 1.25 लाख रुपए घंटे के अंदर जो हेलीकॉप्टर मिल रहा था वो भी 2 लाख रुपए घंटे में भी नहीं मिल पा रहा है और जो डबल इंजन हेलीकॉप्टर हम 2.25 लाख रुपए पर घंटा में हम दे रहे थे पब्लिक को, वो हेलीकॉप्टर इन चुनावों में अभी 4 से 4.5 लाख रुपए प्रति घंटे की रेट पे पहुंच गया है और उसके बावजूद भी अभी हेलीकॉप्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है।
तो चुनाव जीतने के लिए नेता को क्या क्या करना पड़ता है आपने खूब देखा होगा और आपको आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। राजस्थान के महुआ से ऐसे ही विधायक है ओम प्रकाश हुड़ला, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। गांधी जयंती की संध्या को विधायक ओम प्रकाश हुड़ला की एक चर्चित तस्वीर सामने आई, जिसमें विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग मतदाताओं के जूते की पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हैं। महुआ पुलिस थाने के सामने टेंट लगाया गया, बकायदा बैनर भी लगाया गया और उसके बाद विधायक ओम प्रकाश हुड़ला का मोची अवतार देखने को मिला। विधायक ओम प्रकाश हुड़ला महुआ में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के जूते की पॉलिश करते हुए नजर आए। ऐसा नहीं है कि विधायक ओम प्रकाश हुड़ला की ऐसी पहली तस्वीर सामने आई हो, पूर्व में भी विधायक ओम प्रकाश हुड़ला इसी तरह अपने क्षेत्र में मतदाताओं के बूट पॉलिश कर चुके हैं। पूर्व में विधायक के द्वारा माले की दुकान पर सब्जी बेचने, किसान की फसल काटने सहित अनेक तस्वीर चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन अब चुनावी सीजन में एक बार फिर विधायक ओम प्रकाश हुड़ला मतदाताओं की बूट पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विधायक ओम प्रकाश हुड़ला का कहना है कि बूट पॉलिश करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को यह एहसास कराया जाए कि विधायक छोटा होता है और मतदाता व कार्यकर्ता बड़े होते हैं। मतदाता और कार्यकर्ताओं की जूतों की पॉलिश करने का जो हमने संकल्प लिया था, हमारे बोधाराम जी जाटव घेणोली निवासी इनके जूतों की सबसे पहले पॉलिश करेंगे। इससे एक कार्यकर्ता और मतदाता को यह एहसास कराएंगे कि विधायक छोटा होता है, मतदाता बड़ा होता है। मतदाता और कार्यकर्ता का विधायक सेवक होता है। इसी के तहत आज हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं की चरण पादिकाओं की जो पॉलिश करने का काम कर रहे हैं। तो जैसलमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बैंक की छत पर आग लगी है और आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने से देखिए अफरा तफरी भी मची है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है और जनरेटर में भी आग लगने की सूचना मिली है। बैंक में रखा लाखों का कैश और आपको बता दें कि जैसलमेर शहर के शिव रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बैंक की छत पर देखिए ये आग लगी है और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। जनरेटर में भी आग लगने की सूचना मिल रही है। तो बैंक में लाखों का कैश रखा हुआ था, जैसलमेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बैंक की छत पर आग लगी है और जैसे ही दमकल विभाग को ये सूचना लगी, गाड़ियां पहुंची हैं। आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि आग किस कारण लगी है। आग लगने के बाद से देखिए अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। जैसलमेर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बैंक की छत पर आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है और जैसे ही ये सूचना देखिए लोगों को लगी तो अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। ये तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, बैंक है और उसी की छत पर ये आग लगी है। बैंक में लाखों का कैश भी रखा हुआ था और ये तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं आग की लपटें कितनी तेज होती हुई नजर आ रही है। जैसलमेर से ये जानकारी, जहां पर बैंक की छत पर ये आग लगी है और आग किस कारण लगी है अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है। और आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। जैसलमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस का मिशन राजस्थान, कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद का आज दौरा रहने वाला है। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। पोखरण में विभिन्न संगठनों की महिलाओं से संवाद भी करेंगे। पोखरण शहर ग्रामीण क्षेत्रों को कई सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि करोड़ों के विकास कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। तो कांग्रेस का मिशन राजस्थान जैसलमेर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद का आज जैसलमेर दौरा रहने वाला है और देखिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो जाता है कि आने वाले दिनों में चुनाव है और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाएगा। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में चोरी के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। दो बाइक सवार बदमाश 2.5 तोले की चैन तोड़ करके फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़ित परिवार सियाराम नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता शांता कुमारी ने रिपोर्ट में बताया कि वह शनि मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाश वहां पहुंच गए और उन्होंने सुनसान गली को देखते हुए चैन तोड़ करके लेकर के फरार हो गए।
तो देखिए बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। रामगंज में चैन स्नैचिंग का ये मामला सामने आया है। 2.5 तोले की चैन तोड़ करके ये बदमाश फरार हुए हैं और पीड़िता ने थाने में शिकायत दे दी है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अजमेर से ये जानकारी आपको देना है। देखिए किस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। चैन स्नैचिंग की ये पूरी वारदात है और पीड़िता ने थाने में शिकायत दे दी है। झालावाड़ में इन दिनों चाकूबाज बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में चाकूबाजी का नया मामला सामने आया है। नला मोहल्ला इलाके में 4 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय नागरिकों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि पुलिस 4 बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। राशिद बाजा, इसको क्या घर से बुलाया इन 4 लड़कों ने मोहल्ले के। एक तो बंदूक गली में रहता है, ये सलाम भाई का लड़का, एक तो CMD जो जेब काटता है उसका लड़का, एक तो फौज का है। इसे 4 लड़के आए, इन्होंने चाकू निकाल के ताबड़तोड़ अचानक हमला बोल दिया इसके ऊपर। कितने बजे की बात है ये? 9:30 के आसपास की घटना है। तो दौसा के लालसोट में 12वीं की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि छात्रा के पिता ने लालसोट थाने में आरोपी सौरभ मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 15 वर्षीय पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी सौरभ मीणा छात्रा को कैफे में ले जाने की बात कहकर होटल में ले गया था, जहां आरोपी ने छात्रा के साथ संबंध बनाए। इसके साथ ही अश्लील वीडियो भी बना ली। इस दौरान आरोपी ने छात्रा को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे दी। इसके बाद भी आरोपी छात्रा को 1 अक्टूबर को ब्लैकमेल कर होटल ले गया और वहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी सौरभ मीणा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पीड़िता का मेडिकल और बयान लेने में जुटी हुई है। वहीं आरोपी की भी अब तलाश की जा रही है। तहसील क्षेत्र के एक पिता अपने पुत्री के साथ में कल शाम को मेरे पास में उपस्थित हुए थे कि सितंबर माह में मेरे पुत्री को कैफे में ले जा करके और नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ में इच्छा के विरुद्ध रेप किया और कुछ फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे करके और 1 अक्टूबर को भी होटल में ले गया और उसके साथ में इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। उसके संबंध में अभियोग दर्ज हुआ है। उसने कोई ऐसा कोई फोटो वगैरह हमारे सामने कोई समक्ष पेश किया नहीं है। अभियोग दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। जल्दी अनुसंधान पूर्ण कर मुझे गिरफ्तारी।